नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस की ओर से स्पेशल ईगल 3 ऑपरेशन के तहत रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर की गई चेकिंग। एक आरोपी को पिस्तौल और 12 मोबाइल सहित किया काबू। होशियारपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर अत्तोवाल के नजदीक गुड़ बनाने वाले बेलने पर की रेड। 100 बोरे घटिया क्वालिटी की चीनी और गुड़ में डालने वाला नकली रंग किया बरामद। निहंग सिंगो ने जगबानी अखबार के खिलाफ गलत खबर छापने को लेकर किया रोष प्रदर्शन। संपादक और पत्रकार पर मामला दर्ज करने की गई मांग। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के दिशा निर्देशों पर ऑपरेशन ईगल पंजाब भर में चलाया जा रहा है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की चेकिंग की जा रही है। तो वहीं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की ओर से अमृतसर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का दौरा किया गया और वहां के सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगने वाली गाड़ियों के बारे में नई पॉलिसी बनाने की बात कही और काफी लंबे समय से खड़े वाहनों की जांच करने के लिए भी कहा। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अमृतसर रेलवे स्टेशन के सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते हुए पार्किंग में पिछले लंबे समय से लगे मोटरसाइकिलों की जांच कर एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी, ताकि जो शरारती तत्व यहां अपनी गाड़ियों को खड़ा कर भाग जाते हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस संबंधी रेलवे पुलिस और रेलवे अधिकारियों के साथ भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्होंने एक पिस्तौल और एक पुराने आरोपी को भी काबू किया है। वहीं उन्होंने बताया कि इसके अलावा 12 मोबाइल फोन भी पकड़े गए हैं और 13 के करीब लोगों को राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साडे मानयोग सीएम साहब ते डीजी साहब दे दिशा निर्देश से ऑपरेशन ईगल चलाया जा रहा है सारे पंजाब च। उहदे च बस स्टैंड ते रेलवे स्टेशन की चैकिंग की गई है। अमृतसर दे विच भी तुसी देख रहे हो भी बड़ा डिटेल्ड और एलैबोरेट ऑपरेशन कैरी आउट किया गया। असीं इहदे च एक पिस्तौल की बरामदगी हुई है, एक पुराना क्रिमिनल भी फड़िया, 12 मोबाइल फड़े गए हैं ते 12-13 बंदे होर कुछ होर असी क्वेश्चनिंग वास्ते जिहड़े आ राउंड अप कीते आ। इस तों इलावा जिहड़ी पार्किंग्स आ इहनां दी चैकिंग की है कि किन्नी देर तो वाहन खड़े आ इत्थे, कारण की है उहनूं इनवैसटीगेट कर रहे हैं। और ओवरऑल RPF GRP है साडी जिहड़ी फोर्सेस ने उह भी नाल कोआर्डीनेटेड वे दे विच सारी एंटी सबटा टीम है, स्निफर डॉग है, उह सारा एक प्रिवेंशन ते डिटेक्शन दा बड़ा अच्छा ऑपरेशन इह चल रिहा। असी सारे सीनियर अफसर भी हिस्सा लैन सवेर दे लै रहे हैं। बी डिवीजन दे विच सतिंदर नाम का बंदा सी, असी ऑपरेशन दे विच असी चलाया तो उहदे चो बंदा अरैसट होया। थ्रैट की बिल्कुल कोई गल नहीं, तो साडे वल्लों ही अपने तौर दे उत्ते एक प्रिवेंटिव मेजर दे तौर ते असी आए हैं और कोई इहो जिहा थ्रैट वाली गल नहीं है। देखो मैं DC साहब नाल गल कर ली सी और सवेर तो ही असी पुलिस तैनात की है, क्योंकि देखो ये जरा सिविल का काम हैगा, बट असी लॉ एंड ऑर्डर इशू नू कवर करने वास्ते, ट्रैफिक दे कंजेशन कवर करने वास्ते हरेक जगह तुसी देखोगे पेट्रोल पंप ते साडी फोर्स हाजिर है। पर मैनू हुणी खबर आई है, तुसी भी देखी होनी कि वो स्ट्राइक जिहड़ी खुल गई है, सो लोगों नू पैनिक करन दी इन्नी लोड़ नहीं। मैं उन्हां नू अपील करदा कि एडमिनिस्ट्रेशन ते पुलिस जिहड़ी है तुहाडे नाल है। DC साहब नू मैं फिर दोबारा भी रिक्वेस्ट कीती है ते वो सारा आप देख रहे ने। जिला स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से होशियारपुर वासियों को बढ़िया तथा उच्च स्तरीय खाने योग्य वस्तुएं उपलब्ध करवाए जाने को सुनिश्चित बनाए जाने की मुहिम के तहत उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक गुड़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली घटिया चीनी की एक बड़ी खेप गुड़ बनाने वाले बेलने से बरामद की गई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखबीर सिंह द्वारा मेहटियाना पुलिस की मदद से इस रेड को अंजाम दिया गया। इस रेड के दौरान ना खाने योग्य 100 बोरी चीनी बरामद
कर उसे सील कर दिया गया। इस दौरान चीनी और शक्कर के सैंपल भी लिए गए। अगर इन सैंपलों की रिपोर्ट फेल आती है तो उस चीनी को नष्ट कर दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखबीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि फगवाड़ा रोड अत्तोवाल के नजदीक नीटू के बेलने पर घटिया चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने रेड कर चीनी की एक ट्रॉली बरामद की जिसमें 100 के करीब चीनी के बोरे थे जो कि गुड़ बनाने में इस्तेमाल की जानी थी। इस दौरान गुड़ में घटिया किस्म का रंग भी बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि अब गन्ने में पूरी मिठास आ चुकी है और जनवरी माह शुरू हो चुका है, लेकिन ये प्रवासी लोग फिर भी गुड़ में चीनी डालकर बना रहे हैं और गुड़ में घटिया रंग डालकर गुड़ को जहर के रूप में बेच रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे गुड़ लेते समय अच्छी तरह से देख परख लें। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ SHO ਮੇਟੀਆਣਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਬੇਲਣਾ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅੱਤੋਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਲਣੇ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਖੰਡ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸੋਢੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਖੀ ਆ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨੀਟੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਂਵਲੀ ਦਾ ਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਹੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਹੁਣੇ ਇੱਕ BMW ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਸਰਦਾਰ ਉਤਰੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾ ਲਓ ਖੰਡ, ਖਾ ਲਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਇਹ ਖੰਡ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਖੰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਪੇ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਐਜ ਏ ਬਾਈਂਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਘਟੀਆ ਗੁੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ 'ਚ ਮੇਰੇ NRI ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੜ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁੜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਇਹ ਖੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੰਡ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਖੰਡ ਦੇ, ਖੰਡ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੁੱਲਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੋਰੀ, ਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਲੁਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਆ, ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਕੱਚਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ? ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖੰਡ ਖਿਲਾਉਣ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਉਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਧਰਨਗੇ ਕਦੀ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਟੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾੜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਤਰੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁੜ 'ਚ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੈਲੇ ਆ ਚੀਨੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ
जो भी कानून सारा इन्हां दी सैंपलिंग करके अपनी कार्रवाई अमल विच लिया रही। धन्यवाद। हमेशा ही विवादों में घिरे रहने वाले पंजाब केसरी व जगबाणी समूह के बाप बेटा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जिसका ताजा मामला सामने आया है जालंधर में, जहां निहंग सिंह जत्थेबंदियों की ओर से जगबाणी अखबार के संपादक व पत्रकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जानकारी देते हुए निहंग सिंह ने बताया कि जगबाणी अखबार की ओर से एक खबर में उनकी फोटो लगाकर उन्हें बदनाम किया गया है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए वे अखबार के संपादक और पत्रकार पर मामला दर्ज करने की मांग करते हैं, क्योंकि अखबार ने गलत खबर प्रकाशित कर उनका अपमान किया है, जिससे उनकी भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि जब तक अखबार के संपादक और पत्रकार पर मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे अपना रोष प्रदर्शन जारी रखेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामला वाहगुरु जी इदा है कि 25 तरीक नूं जलंधर बाणी दे विच खबर लगी सी। अच्छा जी। साडी फोटो ला के सानू चोर दस्या गया। जलंधर बाणी जगबाणी, हाँ जी जगबाणी। तो अभी शहीदी दिहाड़ियां दा करके शांत सीगे वी चलो कोई अखबार का स्पष्टीकरण आऊगा जां कोई गलबात करन आऊगा, पर अज दस दवां देना वा कोई ना लो कोई गल नहीं होई कुछ नहीं। असीं महल्ले दा करके कि नवें साल दा करके थोड़ा अहीं नहीं कोई काम कीती करवे। अज अहीं हुण कारवाई करवाउण आए आ। सानू आउंदे नूं साढ़े पंज इहदे पंज बंदे अंदर चल जाओ, असीं सारी फौज बाहर रोक ली। चलो अहीं कानून नूं तोड़दे नहीं। हुण उहनां दे 20 बंदे 20 दे 20 बंदे सारे अंदर साहब अंदर गए होए एसएसपी साहब दे। असीं अत्तवादी आ जां चोर थोड़ी आ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 15-20 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣ ਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡੀਟਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ 295 ਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਨ ਬੇਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੇ ਬੈਕਅਪ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲਸ ਸੇਲਸ ਹੈੱਡ ਰਾਜਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ ਔਰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂ ਯੇ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੋ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਡੰਪ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਨੋਰਮਲ ਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਆਊਟਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਸਰਨ ਆਫੀਸ਼ਲਸ ਬੈਠੇ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਦਿਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੈਸੇ ਸੁਬਹਾ ਸੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਂ ਲਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪੋਂ ਪਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ IOC ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ IOC ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ, ਰੋਪੜ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 4 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ।
और कल ਅਸੀਂ 270 ਟੈਂਕਰ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪੰਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਡ ਕੋਈ ਭੀੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਆਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਆਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਕੱਲ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਨਿਕ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੈਨਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਮੀ ਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੋਲਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਰ ਟੋਟਲੀ ਫਿਲਡ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਦਰ ਤੇਲ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਗਈ ਕੱਲ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ ਕੱਲ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਟਾਕਸ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲੱਸ ਸਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਖਿਲਾੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੇਂ ਮੈਡਲ ਜੀਤ ਕਰ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਲੋਟੇ ਜਹਾਂ ਕਲੱਬ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਪਰ ਖਿਲਾੜੀਓ ਕਾ ਢੋਲ ਕੀ ਥਾਪ ਪਰ ਭਵਯ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਔਰ ਖਿਲਾੜੀਓ ਕੇ ਅਭਿਭਾਵਕੋ ਨੇ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹੇ ਖਿਲਾੜੀਓ ਕਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕਰ ਉਨਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਸਵਰਨ ਪਦਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਜਤ ਪਦਕ ਚਿਤੇਸ਼ ਭਨੋਟ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਪਦਕ ਸਚਿਨ ਬਮੋਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰੁਪ ਔਰ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਪਦਕ ਜਬਕਿ ਉਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਜਤ ਪਦਕ ਜੀਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ ਸਭੀ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਬਧਾਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲੋ ਕਾ ਤਾਂਤਾ ਲਗਾ ਰਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਗੋਲਡ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਰਾਂਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਜੋ ਟੀਮ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਲੋ ਲਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਸੀ ਵਾਲੇ ਦਾਸ਼ਮੰਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਲਈ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਚੇਖਾ ਬਸਤੀ ਮਿੱਠੂ ਬਸਤੀ ਗਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन कानून में शोध की गई है जिसके तहत अगर किसी सड़क हादसे में किसी पीड़ित की मौत हो जाती है तो ड्राइवर के खिलाफ 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना तक का
संविधान बनाया गया है, तो वहीं इस कानून के खिलाफ लगातार बस, ट्रक और टैक्सी चालकों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बड़े स्तर पर हड़ताल की जा रही है। बात की जाए तो गत दिवसीय ट्रक ऑपरेटरों की तरफ से अपनी हड़ताल खत्म की गई है, जिसके बाद अब टैक्सी यूनियन की तरफ से एक दिन की हड़ताल कर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ संगरूर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इस संबंध में बातचीत के दौरान टैक्सी यूनियन आजाद के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह ने बताया कि ये कानून उनके लिए बहुत ज्यादा घातक है। कोई भी सड़क हादसा कोई भी ड्राइवर जानबूझकर नहीं करता। अगर कहीं पर सड़क हादसा हो जाता है तो वहां के लोग बिना किसी की गलती जाने ड्राइवर पर टूट पड़ते हैं। कई जगह मारपीट की जाती है। बात अगर पंजाब के बाहर की जाए तो बिहार जैसे राज्यों में तो कई जगह से ऐसी घटनाएं सामने आई कि सड़क हादसे के बाद ड्राइवर को आग लगाकर जला तक दिया गया, जिसके कारण जब भी कभी अगर किसी से ऐसा हादसा हो जाए तो ड्राइवर के पास सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए भागने का ही रास्ता होता है। वहीं उन्होंने कहा कि ये कानून केंद्र सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक उनकी तरफ से प्रदर्शन लगातार तेज होता रहेगा। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को उनकी तरफ से बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भवानीगढ़ के पास बने सबसे बड़े टोल प्लाजा झाड़ टोल प्लाजा पर बड़े स्तर पर टैक्सी यूनियन ड्राइवरों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया जाएगा। अगर इस कानून को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती तो आने वाले चुनाव में भी उनकी तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ वोट डाले जाएंगे और उनके खिलाफ प्रचार किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। अज असी केंद्र सरकार जो एक नवा कानून लैके आई है हिट एंड रन, वो संबंध के विच के केंद्र सरकार ये कानून है जिहड़ा बहुत गलत लैके आई है, इहनू वापस लिया जाए। इस दे संबंध दे विच असी अज रोस मार्च किया, पर आने वाले समय के जेकर केंद्र सरकार ने इस कानून नू वापस ना लिया तो असी पंजाब के सारे बार्डर सील करांगे ते सारियां रोडां भी जाम करांगे। कमी की लगी तुहानू कानून दे विच? इस कानून दे विच कमी है जी, खासियत है ही नहीं कोई, क्योंकि बाहर दियां स्टेटां दे विच जेकर साढ़े किसी भी ड्राइवर भरा तो अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जेकर वह उत्थे खड़ता तो उत्थे दी पब्लिक है जिहड़ी उहनू तेल पा के साड़ दिंदी आ, उहदी गड्डी नू अग ला दिंदी आ। कि केंद्र सरकार इस गल की गरंटी लैंदी है कि जेकर साडा भरा एक्सीडेंट वाली जगह के उत्ते रुकता है तो पब्लिक उहनू कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊगी। ये सब तो वड्डा खासा है। किस तरीके अगला एक्शन तुहाडा की होगा? अगला साडा 6 तरीक का जी साडा धरना जा टैक्सी यूनियन पंजाब रजिस्टर्ड 32 का काला झाड़ टोल प्लाजे ते है। जेकर उस टाइम तक कानून ये वापस रिटर्न दे विच ना लिया तो आने वाले समय के असी जिहड़े बार्डर आ पंजाब दे सारे सील करांगे। आने वाले समय जी असी पूरियां ट्रेड यूनियन नाल तालमेल करके पूरा इंडिया बंद करन दी आले पासे नूं वधांगे। तो ये साडा जो संघर्ष है आप महारे सारे कितने ड्राइवर जो भाईचारा कर रहा है, सो ब्यौतबंदी नाल असी पूरी बंद खलासी का सद्दा दे के 15 ट्रेड यूनियन नाल राबता करके इंडिया नूं एक दिन दी वास्ते या दो दिन दी वास्ते असी बंद करन वाले वधांगे। किवें देखदे हो इहदा नुकसान की आम ड्राइवरां नूं जिहड़ा वड्डे पद्धर दे उप्पर कह सकदे आपां? ਇਹ ਜੀ ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਤਾ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੁੱਖ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ WTO ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। अमृतसर के जल सप्लाई एवं सैनिटेशन एम्प्लॉय यूनियन के कार्यालय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के संबंध में जल सप्लाई एवं सैनिटेशन एम्प्लॉय यूनियन पंजाब की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महान गुरमति समागम करवाया गया। इस अवसर पर राज्य प्रधान सुखनंदन सिंह मैनिया, जिला प्रधान अश्विनी शर्मा और पंजाब के अलग अलग जिलों से आए प्रधान व उनकी टीम सहित खुशी के इस अवसर पर उपस्थित हुए। वहीं समागम में आए हुए सभी अतिथियों को
सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्य प्रधान सुखनंदन सिंह मैनिया और जिला प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि हम सभी को गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की हजूरी में गुरु चरणों का आनंद मानने के लिए इकट्ठा हुई संगत की ओर से पटेल चौक और बस्तियात समूह स्टाफ की ओर से गुरु महाराज जी का प्रकाश करवाकर नववर्ष की शुरुआत की गई। इस मौके पर संगतों ने गुरु महाराज के समक्ष अरदास की कि उनके कार्यालय के सभी कार्य गुरु महाराज की कृपा से पूर्ण हों और दोनों कार्यालयों के स्टाफ पर गुरु महाराज अपना मेहर भरा हाथ रखें, जिसके बाद आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को सिरोपा देकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। फतेह पटेल चौक सब डिवीजन वालों सारे ऑफिसर साहबान जय साहबान सारे होर भी अहुदेदार एम्पलाइया वालों नवे साल विच सारे नूं क्योंकि नवा साल सारे सुख भरिया होना चाहिए उस परमात्मा अगे अरदास बेनती करन वास्ते सुखमनी साहब का पाठ जिहड़ा आ ਉਹ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। कोहिनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी स्वर्गीय सुरिंदर पाल जैन की दूसरी पुण्यतिथि जालंधर के बस्ती बाबा खेल कपूरथला रोड स्थित कोहिनूर इंडस्ट्री में मनाई गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, ईटीओ राकेश मल्होत्रा, बलबीर जैन, राकेश जैन, विनय जैन, राकेश शर्मा, डिप ससे तरविंदर सिंह राजू, सनील कपिल पुंछी, मक्कड़ मोटर से भूपेंद्र सिंह मक्कड़, डॉक्टर पीयूष, स्पीड विच से पाली और पारिवारिक सदस्यों में निपुण जैन, मोनिका जैन, सुनील जैन, प्रीति जैन, संदीप जैन सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुरिंदर पाल जैन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। मंदिर बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर के संचालक एवं श्री धाम अयोध्या
पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री गंगादास महाराज जी को अंतिम विदाई देने के लिए पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू एवं आसपास के क्षेत्र से संत महापुरुष एवं भक्तों ने पहुंचकर पूज्य महाराज जी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित की। पूज्य महाराज जी की अंतिम शव यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर क्षेत्र की परिक्रमा कर मंदिर की गौशाला में पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार उनके कृपा पात्र एवं उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर महंत केशव महाराज ने मुखाग्नि देकर किया। इस अवसर पर संत समाज से स्वामी शांतानंद महाराज, महंत दविंद्रानंद गिरी महाराज, महंत बंसीदास, महंत भगवान दास, महंत रमेश दास शास्त्री, स्वामी कृष्णानंद गो सेवा वाले, बाबा राज किशोर, महंत मुरलीदास, महंत सिया शरण दास, महंत गुरविंदर सिंह, महंत हरि रामदास, पंडित संजय शर्मा, आचार्य अम्बरीश तिवारी, पंडित प्रमोद शास्त्री, महंत पवन दास जी रुड़का खुर्द, चेतन दास, महंत सुरेश दास, पवन कुमार दास, संत सार बोध नंद अध्यक्ष निजातम नगर, द्वैत स्वरूप आश्रम, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप नेता शोभा भगत, उत्तम हिंदू समाचार पत्र के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, नंद किशोर जैन, आरएसएस के प्रमोद, सीनियर बीजेपी नेता विपिन सब्रवाल, चेतन हांडा, विधायक शीतल अंगुराल, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, सीनियर बीजेपी नेता अमित तनेजा, पूर्व पार्षद सुनीता रिंकू, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, अपाहिज आश्रम से तरसेम कपूर, भाजपा नेता पंकज मल्होत्रा, खादी बोर्ड के उपचेयरमैन कमलजीत सिंह भाटिया, सीनियर आप नेता महेंद्र भगत, बाबा लाल दयाल आश्रम अंबाला के अध्यक्ष अश्विनी खुल्लर, बजरंग दल के सह संयोजक अभिमन्यु घई, पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सिंह ओबराय, सीनियर आप नेता आत्म प्रकाश बबलू, श्री देवी तालाब मंदिर के सेवादार रमन शर्मा, समाज सेवक भगत मनोहर लाल, कुलदीप शारदा, जगदीश सियाल, जोग सिंह घुम्मन, रविंदर वर्मा, हरिपाल, नरेश शारदा, सुदेश शारदा, राकेश शारदा, सुखविंदर, कालिया बिट्टू, धर्मपाल शर्मा, प्रदीप खुल्लर, लकी मल्होत्रा, दविंदर अरोड़ा, पवन बसी सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत से जुड़े असंख्य लोग मौजूद रहे। साथी हैं महंत जी के साथ, कैशोदास जी के साथ, इन सबको
प्रेरणा देने का काम पूजे महाराज जी ने किया। महाराज जी की बातें हम लोग बहुत सारी बातें होती हैं, अब हम समय समय पर आप बीच बीच में महापुरुषों के बीच में सुनेंगे भी, जितने भी यहाँ महंत एकत्रित हुए हैं हर महंतों के जीवन में महाराज जी का कोई ना कोई योगदान रहा है। जो भक्त हैं वो आश्रम से जुड़े होते हैं, शास्त्र हमारे यहाँ ये कहता है कि आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र की आत्मा में प्रवेश करती है और वो वहाँ से फल देती है। वैसे ही पूज्य महाराज श्री पूज्य महामंडेश्वर महंत गंगाराज जी महाराज यद्यपि शरीर तो छोड़ दिए लेकिन उनकी आत्मा कहीं नहीं जाती, महापुरुषों की आत्मा कहीं नहीं जाती, वो आत्मा उसी स्थान पर होती है जहाँ उन्होंने अपना कर्म किया होता है। तो आत्मा के रूप में ही पुत्र होता है या शिष्य होता है। महंत केशवदास जी महाराज को अपने सामने महाराज जी ने सबसे देखो बड़ी बात यह है, अपने सामने उन्होंने महंत बनाया और छोटी छोटी बातों को वो ध्यान रखते थे। उनको पता था कि हम कुंभ करते हैं, कल को कुंभ भी करना होगा, इस आश्रम की परिपाटी हमने बनाई है, कल को इन भक्तों को संभालने की व्यवस्था क्या होगी। तो महाराज जी अपने सामने इनको महामंडलेश्वर बनाए कुंभ। ये महाराज जी को शायद पता था। अभी पिछले हफ्ते हम लोग एक कार्यक्रम में थे, महाराज जी मेरे साथ बैठे थे और हंस रहे थे, बोले देखो हमने जीवन में 1990 से संघर्ष किया राम मंदिर के लिए और अब वो समय आ रहा है कि राम मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान हम अपनी आंखों से देखेंगे, चलना है भाई वहाँ और सबको बोलो सब घूम घुमा के चलेंगे, सब घर में दिवाली मनाएंगे। खुद अपने से प्रवचन किया गीता मंदिर में, पूरे जलंधर में उन्होंने कलश भेजा लेकिन हमें क्या पता था कि वो बीच में ही ऐसे अधूरे छोड़कर हम सभी को जाएंगे। शोक का यद्यपि समय है लेकिन उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पर, बाबा राम जी के जितने सेवक यहाँ हैं जो इस आश्रम से जुड़े हैं वो अपने स्वरूप में महंत केशवदास जी को यहाँ लेकर के गए हैं। आज के बाद जो इस गद्दी पर आएंगे आपने महाराज जी का ही स्वरूप मान करके इनको माथा भी टेकना है। इस गद्दी की जो परंपरा है उस परंपरा को चलानी है। पूरे संत समाज महाराज जी ने एकत्रित किया था, पूरा संत समाज उसी तरह हमारा संगठन बना हुआ है, संगठित है, जहाँ भी आवश्यकता होगी जैसे महाराज जी के साथ पूरा समाज वैष्णव मंडल था हमारा और केवल वैष्णव मंडल ही नहीं खरदर्शन संत समाज जो पंजाब का है, बड़ी सुंदर प्रतिष्ठा है पंजाब में, हमारे संतों में भी बड़ा व्यवहार है। पूज्य महामंडल स्वामी शांतानंद जी महाराज भी आए थे, उदासीन परंपरा से भी पूज्य महामंडल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, ये सब महान की बुद्धियाँ पंजाब की पिंडोरी धाम से पूज्य महामंडल ने भी भेजा था। तो जो बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं वो सभी गद्दियों पर से सभी के सभी यहाँ आए हुए हैं और सभी की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल गया। जम्मू से श्री महान जी, हमारे महान सत्यनारायण दास जी महाराज, श्रीनगर से हमारे महंत कामेश्वर दास जी महाराज श्रीनगर से भी आए हैं, मतलब कई स्टेट से जो हमारे महापुरुष यहाँ बुला रहे हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पूज्य महाराज श्री के साथ क्या स्नेह था। केवल रात की सूचना अभी मिली है, अभी संत पहुंच ही नहीं पाए पूरे देश से। 18 तारीख को आपको यहाँ उनको दिखाई पड़ेगा। जितने इतना प्रेम था महाराज जी का यहाँ से जाने के बाद, केशवदास जी महाराज तो कल फोन उठा नहीं रहे थे मेरे पास, मैं फोन नहीं अटेंड कर पा रहा था सभी का, इतने महापुरुषों का फोन आया, सभी महापुरुषों को बताना भी था, समय के सबसे लेना था, बुलाना भी था। फिर मैंने निवेदन किया कि महाराज सभी नहीं पहुंच पाएंगे, 18 तारीख को सभी एकत्रित होंगे जो आस पास है वो एकत्रित हो रहे हैं। एक आवश्यक सूचना आपको बता दें चैनल के माध्यम से, 5 तारीख शुक्रवार को सुबह 9 बजे यहाँ अस्थि एकत्रित करने के लिए सभी एकत्र इकट्ठे होंगे मंदिर में। उसके बाद 9वें दिन महाराज जी जाएंगे हरिद्वार, 10वां कर्म होगा वहाँ हरिद्वार में, यात्रा होगा पिहवा में, उसके बाद बादशाह इस मंदिर में आएंगे महाराज जी बनेंगे यशोदा जी द्वारा और तिरावे वाले दिन फिर जो क्रिया वगैरह होती है वो सब होगा, बाकी जो हमारे वैष्णव परंपरा रीति अनुसार सब होता है वो होगा, गरुड़ पुराण का पाठ भी रखा जाएगा, गरुड़ पुराण का पाठ भी होगा। जो लोग हैं जो आस पास भगत सेवक हैं आप गरुड़ पुराण के पाठ में आइए और आकर के महाराज जी को सदा सुंदर समर्पित करेंगे। तो ये अभी कार्यक्रम निर्धारित है, 18 तारीख को भंडारा होगा, दूसरी पगड़ी जैसी परंपरा हमारे यहाँ है पंजाब में, पगड़ी दी जाती है तो पगड़ी की परंपरा संतों में भी हमारे यहाँ है, गद्दी नसीब होने के बाद भी पगड़ी की जाती है, तो उस दिन पगड़ी होगी और उसके बाद भंडारा वगैरह कार्यक्रम होगा। पूज्य महाराज जी के विषय में जो महापुरुष यहाँ आएंगे वो सभी संतों का दर्शन करेंगे, देश के कोने कोने से यहाँ संत महापुरुष आएंगे, आप सभी इस तरह श्रद्धा बनाए, सभी संतों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
पब्लिकेशन की दुनिया में पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रदीप पब्लिकेशन के मालिक राजकुमार जैन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन देशभक्त यादगार हॉल जालंधर में किया गया। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, लवली ग्रुप से रमेश मित्तल, राज्यसभा संसद सदस्य नरेश गुजराल, शादीलाल जैन, कमल कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, कमल जैन, विनेश जैन, डॉक्टर बलराज गुप्ता, कविंद्र शील जैन, अनीता जैन, नृपशील जैन, वंदिता जैन, दिव्याशील जैन, ईशा जैन और पारिवारिक सदस्यों में प्रदीप जैन, रेशमा जैन, सुमन जैन, श्रीपाल जैन, प्रमोद जैन, शुभलता जैन, सरोज जैन, नीलम जैन, सुधीर जैन, रमेश जैन, सुदेश जैन, प्रतीक जैन, समिधा जैन, दिनेश जैन, शालिनी जैन, विनेश जैन, शिल्पा जैन, विकास जैन, सोनिका जैन, धीरज जैन, गीतू जैन, अंकुर जैन, आभा जैन, सिलती जैन, राहुल जैन, सारिका जैन, संदीप जैन सहित समस्त पारिवारिक सदस्य और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय राजकुमार जैन को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि उस मंदिर में जो प्रतिमा और प्रतिष्ठा होगी वे औली के ही परिवार के कर्तव्यों से होगी, तभी ही गुरुदेव बाबू जी की आत्मा को परम आनंद मिलेगा। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ जो अंबाला में समाधि मंदिर बन रहा है, जो नया मंदिर बन रहा है, उसकी जो निर्माण कमेटी है, जीतू भाई बीकानेर वाले उसके अध्यक्ष हैं, हम कुछ लोग उसके सदस्य हैं, हम अपनी तरफ से और अंबाला का जो एक मानीभद्र सुखड़ी परिवार है उसकी तरफ से, जिसके कुछ सदस्य मेरे साथ आए हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं बाबू जी के चरणों में सदा सुमन अर्पण करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबू जी को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को और हम सबको दुख सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। हमारा जो विराजमान है उन्होंने अपना विशेष संदेश और धर्म लाभ परिवार के लिए भेजा है, मैं आपके सामने वो पढ़ के सुना देता हूँ। माता श्री गुणमाला जैन, सेवानी प्रदीप रेशमा जैन, श्री प्रदीप, समिता जैन आदि सब परिवार योग्य धर्म लाभ। शासन प्रति शमन भगवान महावीर प्रभु के धर्म की के चार अंग हैं, साधु साधु शावक और शाविका, ये चारों ही धर्म शासन के स्तंभ है। वहाँ पर प्रतिष्ठा करा के ही इस दुनिया से जाऊं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो प्रतिष्ठा नहीं करा सके, उसके लिए मैं अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ, उसमें एक कारण मैं नहीं हूँ। आदरणीय महानुभाव, आज हम जिस विराट व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि ये समय केवल श्रद्धांजलि देने का नहीं है, उनके विराट व्यक्तित्व के जो श्रद्धा, जो आस्था, उनके आदर्शों ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस सबको समेटने की एक जरूरत है, समाज के लिए भी और व्यक्तिगत रूप में भी। और उनका जीवन कैसा था हमने बहुत से वक्ताओं से सुना, ये तो उनका जीवन था समाज के प्रति, परिवार के प्रति, लेकिन उनकी तुलना तो मैं किसी और से भी करूँ तो कम है। हम इतिहास में सुनते हैं अजातशत्रु का नाम, जब मुझे वक्ताओं से पता चला कि रत्नाकर सूर्य आचार्य सिद्धि के चरणों में उनकी आस्था थी, तो मुझे याद आ गई उस व्यक्तित्व की, इतिहास के उस व्यक्तित्व की, अजातशत्रु की। भगवान महावीर स्वामी जी जहाँ जहाँ पधारते थे तो सबसे पहले राजदूत से सूचना आती थी कि मेरे प्रभु कहाँ पर हैं, जब सुनिश्चित हो जाता था तब वो आहार आदि ग्रहण करते थे, ये थी उनकी गुरु भक्ति। और आज उसी की याद आई है फिर से, और मैं सोचती हूँ कि एक जमाना हो गया जब श्रवण के किस्से सुना करते थे हम, लेकिन एक समाज में एक ऐसा प्रतापी पुरुष हुआ, और साथ में क्या ये कम बात नहीं कि उन्होंने एक श्रवण जैसे पुत्र को जन्म दिया। आज जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी स्तुति हमारे बाबू जी की जा रही है, कभी भावना न होगी, कभी मनुष्य जन्म उनको मिला,
पहुंचेगी ना तो मैं उनकी पुत्री बनकर पैदा हूं। मेरा चयन भी उन्होंने ही किया। पुत्र से नहीं पूछा तेरी पसंद क्या है, चयन कर लिया कर लिया। हैरान पुत्र, पिता ने चयन कर लिया तो ठीक ही होगा। 40 वर्ष हो गए मुझे इस परिवार में। बहुत खुश होते थे जब कभी बन सवर के निकलना उनके मुख पर एक चमक होती थी, देखकर खुश होते थे बहुत। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सेवादार मेंबर सीए विश्वामित्र अरोड़ा गत दिवस अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय विश्वामित्र अरोड़ा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एवं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना पत्र भेजकर दुख साझा किया। इस मौके पर बीबी जागीर कौर, रंजीत आर्य, रिक्की सहगल, चौधरी राम कुमार, सुदर्शन ज्योति, पवन मेहता, डॉक्टर पवन गुप्ता, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, करमजीत कौर चौधरी, जतेंद्र आर्य, सुभाष आर्य, अमन आर्य, संतोष परमार, जेएस थिंद, सतीश कुमार, मानव अरोड़ा, भारत भूषण बजाज, रोहित बजाज, शिवी बजाज और पारिवारिक सदस्यों में बेटा एडवोकेट कुणाल अरोड़ा, सीए राघव अरोड़ा, पूजा अरोड़ा, आंचल अरोड़ा, साक्षी अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, अभिराज अग्रवाल, लवण्या अग्रवाल, हरिहरन अरोड़ा सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सीए विश्वामित्र अरोड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सुख साध संग में सो गए उनथे न होवे, राम गयो राम गयो जान का बहु परिमारे, कहो नानक तेरे कछु नहीं सुपन हो ये संसार। गुरु गर्ग भगवान की, गुरु सतगुरु महाराज की जय। सभी मित्रगण से मेरा छोटा सा अनुरोध है कि एक बार अपने मन को एकाग्रित करके ऊंचे स्वर में कहें, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। थोड़ी सी तस्वीरें उभरने लगेंगी। मैं हमेशा याद करता हूं जब कभी मैं उनको अपनी किसी कठिनाई की बात कहता तो बड़े उत्साह से, बड़े संयम से, बड़ी शक्ति से वो हमेशा कहा करते थे, मैं बैठा तो क्यों फिक्र करता है। और ये बात बहुत गहरी है। मेरा उनका संबंध लगभग 50 साल से ज्यादा का रहा और जब मैं उनकी जिंदगी की तस्वीर को अपने सामने देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों ने उनको भरपूर आशीर्वाद तो दिया, लेकिन जैसे सोना तप कर कुंदन बनता है, हर आशीर्वाद को पुगा करने से पहले उनकी घोर और गंभीर परीक्षा उन्होंने ली। उन्हें अपने मन को, अपने शरीर को, अपने बुद्धि को एक अग्नि के बीच में से इस तरह गुजारना पड़ा कि जिंदगी की सारी त्रुटियां धीरे धीरे दूर होती गईं, जिंदगी की सारी कठिनाइयां धीरे धीरे उनके लिए रास्ता बनती गई। कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केशो गोपाल पंडित सत्यो, हर हर कथा पढ़ियो प्राण जी। अपने वीर श्री पीएम अरोड़ा जी की पवित्र याद विच गरुड़ भगवान जी की आराधना करदे हुए कथा कीर्तन नाल जुड़ बैठे सात संगत जी, जिथे तुसी श्री राम जी नू नमस्कार कर रहे हो, माता सीता जी नू स्नेह दे रहे हो, आओ सारे रल के फतेह बुलाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संसार फानी है साधो,
रचना राम बनाई, एक बिरसर एक अस्थिर मन है अचरज लखी होना चाहिए। असी रोज देखते हैं संसार विच जो पैदा होया इन्हें संसार में छड़ के चले जाने, जाको आए सोई ब्याजो हर गुरते मन है पसेरा, निज कर मेहर पावो सुख सहजे पौर ना होए को फेरा। ये यात्रा बार बार नहीं प्राप्त होंगी। 84 लाख जून की बेनती असी रोज सुनते हैं, बाणी विच लिखिया होया है 84 लाख जून उपाई तबे मानस दे ही पाए। इस देही नूं देवत्या ने पूछया, उन्होंने चाहिए तो इस संसार विच आके सानू हदायत की है। बाणी में सानू कहा गया राम सिमर यह तेरा काज है। किहड़ा राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट मैं बैठा। जो राम दशरथ के बेटे के हिरदे विच वसिया होया सी ओ परमात्मा ओ प्रभु जिहड़ा सारिआं दे हिरदिआं विच वसिआ होइआ उस सिमरन दे नाल असीं जुड़ना। सत संगत जी, इस संसार दे विच सभना सहुरे वंजणा, असीं सारे पेका घर समझदे इस संसार नूं, ते जदों असीं जाणदे आ उहनूं सहुरा करके आ गया जिहड़ा साडा पक्का घर है। सभना सहुरे वंजणा सभ नूं गुलाबनहार। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की जिला स्तरीय बैठक लहरा काका के गांव जलूर में प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह ढल्लेवाल के नेतृत्व में गुरुद्वारा साहिब में हुई। इस मौके पर जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसान मजदूरों पर बार बार किए जा रहे हमलों से परेशान होकर किसान दोबारा दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को किसान संगठन दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले गांव-गांव जाकर किसानों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि 6 जनवरी को बरनाला अनाज मंडी में होने वाली महापंचायत की तैयारियां की जा रही हैं। ढल्लेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर बड़ा संघर्ष किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो असी कल्ले इत्थे नहीं, असी ऑल ओवर पंजाब जिथे भी सानू लग रहा है कि इत्थे मीटिंग की जरूरत है, असी पूरे पंजाब दे विच वख वख थावां ते मीटिंगां कर रहे हैं। मीटिंगां करन दा जिहड़ा कारण की है, SKM नॉन पोलिटिकल ये महसूस करता है कि किसानां दीआं जिहड़ीआं अधूरीआं पईआं मंगां उह लागू करवाउणीआं, जिहड़ीआं साडे नाल कमिटमेंट कीतीआं चोणां दे दौरान मोदी जी ने उह उहनां तों लागू करवाउणा। चोणां नेड़े आ गईआं, कल नूं मोदी जी पल्ला छिड़ा के निकल गया ते किहदे जा के बाह फड़ांगे असीं, इक गल। चलो इन्हां मंगां तों उहनूं असीं अगे अगे पिछे भी हो सकदियां हुंदियां ने। सब तों इंपोर्टेंट गल इहदे च इह है कि इन्हां ने इस वारी फैसला लै लिया सरकार ने, बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाला रूप धारदिआं। मैं डिक्टेटरशिप वाला रूप इस करके कहा कि चोणां दे नेड़े आ के लोग विरोधी फैसले सरकारां कदे नहीं करदियां, लेकिन इन्हां ने कीता की कीता, किसानां दीआं प्रोडक्ट जिहड़े ने ड्राई फ्रूट दे उत्तों जिहड़ा इंपोर्ट ड्यूटी सी ओह रिड्यूस कीती, चने दी दाल तों कणक तों इंपोर्ट ड्यूटी किसे तों रिड्यूस कीती जा रही है ते कणक तों बिल्कुल रिमूव कीती जा रही है। दुध प्रोडक्टां तों इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कीती जा रही है, पोल्ट्री प्रोडक्टां तों इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कीती जा रही है। अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हुंदी है तां समझो कि पूरे देश दे अंदर ये धंधा करन वाले लोग, खेती करन वाले किसान, जिहड़े किसानां नूं भारत दे विच लगभग 1.5% सबसिडी मिलदी होवे मसां, उन्हां दा मुकाबला इनडायरैक्ट ढंग दे नाल उन्हां किसानां नाल करवाउण दा यतन है जिन्हां नूं 380% सबसिडियां मिलदियां ने, तो ये किसान कदे नहीं कर पाएगा। बाहरला अनाज सस्ता जदों आ के भारत दे विच डिगेगा तां उहदे नाल सुभाविक आ के भारत दा किसानां दी कणक, इत्थों दीआं दालां, इत्थों दा पोल्ट्री, इत्थों दा डेयरी प्रोडक्ट, यह सब तैश नैश होएगा। उहदे चों असीं समझा सी कि फरवरी दे विच इन्हां ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करनी है। यह सारी गल नूं समझदे होए SKM ने ऐलान कीता सीगा 7 नवंबर की मीटिंग दे विच, ते उस तों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कि असीं दिल्ली दे विच फरवरी दे विच एक वड्डी लड़ाई लड़ांगे। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ
ठीक मानते हैं साढ़े नाल उत्तरी भारत के जड़िया गैर राजनीतिक रह के लड़ाई लड़न वाली जथेबंदियां जिन्नियां वो 18 जथेबंदियां ने फिर कट्ठे हो गए साढ़े नाल तालमेल बनाया कि भी असाई तुहाड़ियां ना मंगां दे नाल तुहाडे नाल असीं भी समर्थन करते हैं। चलो समर्थन करते हैं तो तालमेलवें प्रोग्राम दे विच साढ़े शामिल होईआं उहदे चों असीं रख्या होया सी पहले ही कि पूरे भारत दे विच असीं 22 वड्डियां कानफ्रेंसां लोगों को इकट्ठे करके पहला अवेयर करांगे ग्राउंड तैयार करांगे फिर दिल्ली वाल कोशिश करांगे। लास्को इंजीनियरिंग कंपनी के संस्थापक स्वर्गीय शादीलाल जैन के वंशज कमल कुमार जैन रजत जैन दर्शित जैन परिवार द्वारा लास्को इंजीनियर कंपनी शीतल इंडस्ट्रियल एस्टेट पठानकोट रोड जालंधर पर लगाए गए नए यूनिट की शुरुआत पर कमल कुमार जैन परिवार को आशीर्वाद देने के लिए श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज आदि ठाणा सहित गुरु महाराज के शिष्य कार्य दक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज ज्ञानानंद महाराज विशेष रूप से पहुंचे। गुरुदेव महाराज का लास्को इंजीनियरिंग कंपनी शीतल इंडस्ट्रियल एस्टेट पठानकोट रोड पहुंचने पर कमल कुमार जैन रजत जैन दर्शित जैन अनिल जैन मोनिका जैन हरित जैन रिद्धि जैन विशाल जैन करण जैन पल्लवी जैन की तरफ से पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। ढोल की थाप पर कमल जैन परिवार गुरुदेव महाराज के नाम के जयकारे लगाते हुए झूम रहे थे। इस दौरान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी ने राकेश कुमार जैन परिवार को आशीर्वाद दिया और जैन समाज की सेवा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शादीलाल जैन ने जिस तरह से समाज की सेवा में अपना योगदान दिया था ठीक उसी तरह से उनके वंशज कमल कुमार जैन रजत जैन दर्शित जैन समाज की सेवा कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी गुरु महाराज के शिष्य कार्य दक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज ने उपस्थित सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ किया। इस मौके पर प्रतपाल पाल सिंह राजू चावला नरेंद्र शर्मा अशोक जैन अनिल जैन रवि जैन अंकुर गुप्ता शिवानी गुप्ता नरेंद्र जैन मोहिंदर पाल जैन सुभाष जैन राजीव शारदा भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र से चेयरमैन रविकांत जैन अध्यक्ष कमल जैन महामंत्री विनेश जैन कोषाध्यक्ष शीतल जैन निपुण जैन पुनीत जैन ऋषभ जैन अनिल जैन मोहिंदर जैन सनत जैन राजेश जैन विशाल जैन सहित जैन समाज के असंख्य लोगों ने लाभ लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Thank you.
पातशाह ने बीरबल से कहा कि अरे बीरबल, तुम्हारे हिंदू धर्म की और बातें सुन मेरे गले उतर जाती हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम्हारी एक बात मेरे गले नहीं उतरती। तो बीरबल ने कहा कि जहाँ अपने ऐसी कौन सी बात है जो आपके गले नहीं उतरती, बताइए। तो अकबर ने कहा कि जो संत महात्मा है, तुम्हारे जो संत महात्मा है वो भी आखिर हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, उसमें नई बात कौन सी है? और तुम उनके चरणों में मत्था टेकते हो, तुम उनका आशीर्वाद लेते हो, ये क्या, इससे क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? ये तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, उनमें और हमारे में फर्क क्या है? तो बीरबल ने कहा, एक सामने एक शाही मोहर पड़ी हुई थी, उस शाही मोहर को बीरबल ने उठाया और सामने शाही लगा करके जैसे उस सामने दिखाई, बोलो बादशाह ये बताइए कि आप मोहर के अक्षर उल्टे के सीधे हैं? बोले उल्टे हैं। और जैसे उस मोहर को एक कागज के ऊपर लगाया और फिर दिखाया, अब अक्षर सीधे के उल्टे? बोले सीधे हैं। बस इतना ही अंतर है, चाहे इस मोहर के अक्षर उल्टे हैं, लेकिन जैसे ही शाही लगा करके हमने कागज पे लगाया, अक्षर सीधे हो गए। उसी तरह से हमारे जो भी उल्टे भाग्य की रेखाएं हैं, हमारे भाग्य की जो भी उल्टी रेखाएं, जैसे हम गुरु चरणों में मत्था टेकते हैं, हमारे सारे ललाट के लिए उल्टे जो होते हैं सीधे हो जाते हैं। यही गुरु चरणों का प्रभाव है, गुरु के आशीर्वाद का ही प्रभाव है। गुरुओं की कृपा और गुरु की आशीर्वाद में इतना बल है कि हमारे सोए भाग्य भी जग जाते हैं, हमारे उल्टे भाग्य की रेखाएं भी सीधी हो जाती हैं। मुझे आज भी वो प्रसंग याद आ है कि गुरुदेव वल्लभ सूरी जी महाराज विहार कर रहे थे, काफ़ी भक्तजन उनके साथ में विहार करते थे, गुरु की काया के साय के समान साथ साथ चलते थे। विहार करते करते पहले सड़कें होती नहीं थी, कच्चे रास्ते होते थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, कंटकीले रास्ते होते थे, कंकरीले रास्ते होते थे। रास्ते में चलते चलते गुरुदेव के पांव में एक कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया। रतन चंद जी गुरुदेव के साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे ही गुरुदेव को कांटा लगा, उन्होंने कहा गुरुदेव आप बैठ जाओ, मैं कांटा निकाल देता हूँ। गुरुदेव को बहुत शांति से एक बार बिठा दिया और गुरुदेव के पांव को अपनी गोदी में लेकर के बड़े प्यार से धीरे से करके कांटा निकाल दिया। गुरुदेव के मुख से सहज में निकला, सहज में गुरुदेव के मुख से निकला, रतन तूने आज मेरा कांटा निकाला, तेरे भाग्य का कांटा भी निकल गया। ऐसे गुरु के वचन फलित हुए, ऐसे गुरु के वचन फलित हुए कि जो सुबह शाम की समस्या थी, लहरा बहरा हो गई, लीला लहर हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, और करोड़ों अरबों में आज खेल रहे हैं। जो कुछ भी है गुरु के आशीर्वाद का प्रतिफल है। हम जहाँ जहाँ भी राजस्थान, गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पर भी हमें जहाँ पर भी गुरु मूर्ति नजर आती है, गुरु वल्लभ की मूर्ति नजर आती है, गुरु मंदिर दिखाई देते हैं, वहाँ पर रतन चंद कपदास नाम दिखाई देता है। जो कुछ है गुरु का है, गुरु के लिए सब अर्पण है, ऐसी उनकी उत्कृष्ट भावना। तो ऐसे गुरुओं के हमेशा जो आशीर्वाद का पात्र रहा है, हमेशा गुरुओं की कृपा जिन पर बरसती रही है, ऐसे ही हमारे जालंधर का परम पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार, लाला लब्बू राम जी का परिवार कहें, हमारे शादीलाल जी, बहू जोगेंद्र जी, हमारे कीमती लाल जी, हमारे सुभाष भैया और महेंद्र भैया, पांचों भाइयों का ही भाग्यशाली परिवार, पांचों पांडव कहें, पंच रत्न कहें, जो भी कहें, हमेशा ये भाग्यशाली परिवार और उनके आगे भी अगली पीढ़ियां भी, सारे परिवार, चाहे हमारे शादीलाल जी के देखें, हमारे कोमल भैया, बिट्टू भैया, आगे भी सब भाग्यशाली परिवारों में भी, सभी बच्चों में भी, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक परिवार के सदस्य में जो परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति और धर्म संघ समाज के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, उसकी कोई जोड़ नहीं है। मैं बहुत बहुत दिल से भाग्यशाली परिवार की अनुमोदना करता हूँ। अभी अभी हमारा जो एक सपना था कि हम पंजाब की भूमि पर एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक तीर्थ का निर्माण करें, मेन नेशनल हाईवे रोड के ऊपर हमने लुधियाना के निकट दोराहा में मणिलक्ष्मी तीर्थ का निर्माण कराया, ऐसे मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम को भी आज उस मुकाम तक पहुंचाने में, ऊंचाइयां दिलाने में हमारे इस भाग्यशाली परिवार का, शादीलाल जी परिवार का बहुत अहम योगदान है, अहम योगदान है। आज वहाँ की जो मुख्य पेढ़ी है, मुख्य कार्यालय है, जिससे सारे तीर्थ का संचालन होने वाला है, संवर्धन होने वाला है, उसका लाभ भी हमारे बहु शादीलाल जी, कोमल जी, बिट्टू ये परिवार ने लिया था। ट्रस्टी भी हमारे कोमल जी वहाँ के ट्रस्टी भी हैं,
प्रत्येक कार्य में मणिलक्ष्मी तीर्थधाम के निर्माण से लेकर के प्रतिष्ठा चातुर्मास और प्रत्येक आयोजन में चार चांद लगाने का श्रेय हमारे भाग्यशाली परिवार को जाता है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से भाग्यशाली परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। कोमल जी आज हमारे श्री भगवान महावीर स्वामी जैन आराधना केंद्र के भी आज अध्यक्ष हैं, वर्षों वर्षों से अध्यक्ष हैं, पूरे संघ समाज को साथ लेके चलते हैं, हर कार्यक्रम में सबको जोड़ के चलते हैं। बहुत बड़ी खासियत हमारे कोमल जी, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, ऐसे दोनों ही राम लखन की जोड़ी के समान, महावीर और नंदीवर्धन की जोड़ी के समान हमारे कोमल भैया, बिट्टू भैया और आगे परिवार की बहुत बहुत दिल से अनुमोदना करता हूँ, खूब खूब दिल से आशीर्वाद। आज उनके इस नए यूनिट में संतों के चरण पड़े, बहुत उनकी भावना देखिए गुरुदेव, चाहे आपको 2-3 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा लेकिन हमारी भावना आपको पधारना, मैं कह जरूर आऊँगा भैया। कोमल जी आप हमेशा गुरुओं के प्रति समर्पित रहे हैं, आपने कभी इनकार नहीं किया तो हम कैसे इनकार करेंगे, चाहे कुछ भी होगा देखा जाएगा, जरूर आएंगे, जरूर पूरा पूरा लाभ दे के जाएंगे। तो आज बहुत अच्छा लगा, आज उनकी भावना पूरी हुई, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, जम्मू भी पहुँचना है, ठंडी का मौसम है, दिन छोटे हैं, लंबे बिहार है, कोहरा भी है और 12 तारीख को हमें जम्मू प्रवेश करना है। हमारे मुकेरिया से सभी भाग्यशाली परिवार परसों भी आए हुए थे, आज भी पधारे हुए हैं, विनोद जी का भी था, हाँ विनोद जी का फोन आया था और जम्मू वाले सुबह आके भी गए हैं, तो अभी यहाँ से हमको मुकेरिया भी जाना है। आज हमारी भावना है कि हम शाम तक भोगपुर पहुँच जाएँ और 1-2 दिन में जैसा भी होगा हमें मुकेरिया का भी लाभ देना है और वहाँ से जम्मू भी पहुँचना है। वहाँ भी बड़ी संक्रांति और प्रतिष्ठा 15 जनवरी की निश्चित है, सभी कार्यक्रमों को परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पूरा करना है। आप सबका सहयोग, आप सबके आने से ही सब कार्यक्रम अच्छी तरह से गौरवान्वित होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस की ओर से स्पेशल ईगल 3 ऑपरेशन के तहत रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर की गई चेकिंग, एक आरोपी को पिस्तौल और 12 मोबाइल सहित किया काबू। होशियारपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर अत्तोवाल के नजदीक गुड़ बनाने वाले बेलने पर की रेड, 100 बोरे घटिया क्वालिटी की चीनी और गुड़ में डालने वाला नकली रंग किया बरामद। निहंग सिंगों ने जगबाणी अखबार के खिलाफ गलत खबर छापने को लेकर किया रोष प्रदर्शन, संपादक और पत्रकार पर मामला दर्ज करने की गई मांग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।